बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लकीज टायरेट एंड वेटिंग फॉर गाडो। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, लकीज स्पीच कैन बी स्टडीड एंड कंप्रीहेंड बाय डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। लकी की तकरीर को पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है, इसे तकसीम करके इनटू डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में। नंबर टू, द फॉर्म ऑफ द स्पीच इज कैओटिक एंड ब्रोकन। द फॉर्म ऑफ द स्पीच, तकरीर की शक्ल बेतरतीब और टूटी हुई है। नंबर थ्री, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच इज अबाउट फॉर रीजंस अननोन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच, तकरीर का पहला हिस्सा इज अबाउट के मतलब है, फॉर रीजंस अननोन, नामालूम वजूहात के लिए। नंबर फोर, द सेकेंड पार्ट इज अबाउट मैन, दूसरा हिस्सा आदमी के बारे में है। नंबर फाइव, द थर्ड पार्ट इज अबाउट अर्थ, तीसरा हिस्सा जमीन के बारे में है। नंबर सिक्स, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। लकीज टायरेट, लकी की लंबी तकरीर। एंड वेटिंग फॉर गाडो, वेटिंग फॉर गाडो के प्ले में एम्सेल एटकिंस थिंक्स दैट सैमुअल बेकेट अप्रोच टू लकी स्पीच टायरेट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एम्सेल एटकिंस समझता है कि सैमुअल बेकेट की रसाई या नुक्ता नजर टू लकी स्पीच, लकी की तकरीर की तरफ, टायरेट लंबी तकरीर की तरफ, इज वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत अहम है। इट अपीयर्स एज दो इट कंटेन द कोर ऑफ द प्ले, ये ऐसा जाहिर होता है अगरचे इट कंटेन्ड के ये रखता था द कोर ऑफ द प्ले, ड्रामे का मरकजी हिस्सा। ऐसा जाहिर होता है कि ये ड्रामे का मरकजी हिस्सा रखती थी। वेयर एज रूबी कोहन ओपाइंस दैट, जबकि रूबी कोहन राय देता है कि इट इज अ थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल आर्गुमेंट, ये दीनियाज से मतलब या फलसफियाना दलील है, प्रेजेंटेड इन द रैशनलिस्टिक ज्योमेट्रिकल मोड, प्रेजेंटेड पेश की गई इन अ रैशनलिस्टिक अकली ज्योमेट्रिकल मोड, ज्योमेट्री के अंदाज में, ऑफ डिस्कार्ट्स एंड स्पिनोजा। डिस्कार्ट्स और स्पिनोजा की तरफ से एवरी वर्ड इज पार्ट ऑफ अ कोहरेंट सिंटेक्स, हर लफ्ज कोहरेंट सिंटेक्स, नहव से जुड़ा हुआ है। एवरी वर्ड इज पार्ट ऑफ अ कोहरेंट सिंटेक्स, हर लफ्ज जुड़ी हुई नहव का हिस्सा है। बेकेट डिवाइड्स दिस स्पीच इनटू थ्री पार्ट्स, बेकेट इस तकरीर को तीन हिस्सों में तकसीम करता है। एंड डिवाइड्स सेकंड पार्ट अगेन इनटू टू सेक्शंस, और दूसरे हिस्से को दोबारा दो हिस्सों में तकसीम करता है। सेकंड पार्ट इज एन इनकम्प्लीट फ्रैगमेंट, दूसरा हिस्सा एक नामकम्मल टुकड़ा है, ऑफ रैशनल आर्गुमेंट, एक अकली दलील का। थ्री सब डिविजन्स आर डिसर्नेबल विद इन दिस सेकेंड पार्ट, थ्री सब डिविजन्स, तीन तकसीम दर तकसीम, यानी मजीद आगे तकसीम है, आर डिसर्नेबल, काबले इम्तियाज हैं, विद इन दिस सेकेंड पार्ट, इस दूसरे हिस्से में। नंबर वन, अ सेल्फ रिपीटिंग वर्बल ट्रैप reminiscent of the dog's song in act 2,
अ सेल्फ रिपीटिंग वर्बल ट्रैप, एक जाती तौर पर दोहराने वाला जाती जाल, रेमिनिसेंट ऑफ द डॉग सॉन्ग, डॉग के यानी कुत्ते के गीत की याद अंगेज, इन एक्ट टू, एक्ट टू में। नंबर टू, एन एनुमरेशन ऑफ एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन साइकिल्स ऑफ टाइम, एन एनुमरेशन ऑफ एक्टिविटीज सरगर्मियों की एक गर्दश, टेकिंग प्लेस वाक्या होती हुई इन साइकिल्स ऑफ टाइम, वक्त के साइकिल में, गर्दश में, यानी एक्टिविटीज का एक हिसाब, खुलासा, सरगर्मियों का एक खुलासा, तहरीर या हिसाब, टेकिंग प्लेस वाकया होता हुआ इन साइकिल्स ऑफ टाइम, वक्त की गर्दश में, ऑटम समर विंटर खिजां, समर मौसम गर्मा मौसम सरमा, एंड प्लेस और जगह, फैकम फैकम फिलहम क्लेफम। नंबर थ्री, अ कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड माला प्रोपिजम्स, अ कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस तजादात का एक मजमुआ, एंड माला प्रोपिजम्स और माला प्रोपिजम्स का और खराबियों का एक मजमुआ, तजादात और खराबियों का एक मजमुआ, द थर्ड पार्ट डिस्कार्ड्स ऑल सिंटेक्स, तीसरा हिस्सा तमाम नहव को बरतरफ कर देता है, एंड लैप्सेस इनटू कंप्लीट अफेजिया और गलती करता है, मुकम्मल बेमानी बातों में, इट्स फ्रेजेस आर ऑफ टू काइंड्स, इसको जुमले दो किस्म के हैं, नंबर वन दोस विद एलिमेंट्स रिपीटेड फ्रॉम और रिफरिंग टू द प्रीवियस पार्ट्स, दोस विद एलिमेंट्स उन अज्जा के साथ रिपीटेड जो दोहराए गए, फ्रॉम और रिफरिंग फ्रॉम से या हवाला देने से, टू द प्रीवियस पार्ट्स सबका हिस्सों का हवाला देने से, एंड और। नंबर टू, पोएटिक वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, शायराना अल्फाज पहली मर्तबा मुतारफ करवाए गए, लकी स्टारेट इज द लॉन्गेस्ट वर्बल आउटबस्ट, लकी की लंबी तकरीर एक लंबी जबानी आउटबस्ट है, फटना है, फूट पड़ना है, इन द होल प्ले पूरे ड्रामे में, इट अपीयर्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत अहम जाहिर होती है इस नुक्ता नजर से, दैट इट इज द फर्स्ट टाइम लकी स्पीक्स, कि ये पहली बार है जब लकी बात करता है, एज इन द सेकेंड एक्ट, जैसा कि दूसरे एक्ट में ही बिकम्स टम, वो दूसरे एक्ट में गूंगा हो जाता है, ऑल्सो बिकॉज ही इज द वन हु हैज स्टार्ट पोजो, इस वजह से भी कि उसने ही सिखाया है, द वन हु हैज स्टार्ट, यही वो आदमी है जिसने पोजो को सिखाया है, वट इज ब्यूटी ग्रेस एंड ट्रुथ, के खूबसूरती करम या फजल यानी दिलकशी, और ट्रुथ और सच्चाई क्या है, लकी इज नॉट अ हाफ विट, लकी आधा जहीन नहीं है, हाजिर जवाब नहीं है, और सिंपली अ सॉन्ग या महज एक गीत नहीं है, एंड डांस मैन और नाचने वाला आदमी नहीं है, ही इज द शेक्सपियरियन फूल ऑफ दिस प्ले, इस ड्रामे का शेक्सपियरियन फूल है, अहमक है, हु टीचर्स हिज मास्टर, जो अपने मालिक को सिखाता है, वट ब्यूटी ग्रेस एंड ट्रूथ हिज, के खूबसूरती दिलकशी और सच्चाई क्या है, ही नोज वट इज गोइंग अराउंड हिम, वो जानता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बट ही डेयर्स नॉट वोकलाइज द ट्रूथ, लेकिन वो सच्चाई को अदा करने की जुर्रत नहीं करता है,
बट वंस ही गेट्स अ चांस टू थिंक, लेकिन एक दफा उसे एक मौका मिलता है टू थिंक, सोचने का, व्हाट ही इज थिंकिंग कि वो क्या सोच रहा है, ही सम्स अप द होल इन द वर्ड, वो पूरी बात को, पूरी बात का खुलासा कर देता है, मुख्तसर कर देता है इन द वर्ड लफ्ज, कैओस में, बदनज़मी या अफरा तफरी में। हिज टायरेड इज अ वर्बल कैओस, उसकी लंबी तकरीर एक जबानी बदनज़मी है, एंड ट्रूली सो, और वाकई ऐसा है, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ कैओस, क्योंकि ये बदनज़मी से बाहर थी, दैट ऑर्डर वॉज क्रिएटेड, के तरतीब क्रिएटेड, पैदा की गई। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लकी'स टायरेड कैन बी कम्प्रीहेंड, लकी की लंबी तकरीर का मतन, सियाक व सबाक, कैन बी कम्प्रीहेंड, समझा जा सकता है, आइदर बाई लुकिंग एट इट्स फॉर्म, या तो इसे इसकी शक्ल में देखकर, टोन, आवाज या लहजे में, एंड स्टाइल या अंदाज में, और बाई ऑब्जर्विंग द रिएक्शन ऑफ द लिसनर्स, या सामेईन के रद्द अमल का मुशाहदा करके। द फॉर्म ऑफ दिस टायरेड इज कैओटिक एंड ब्रोकन, इस लंबी तकरीर की शक्ल बेतरतीब और टूटी हुई है। इट इज़ अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, ये टूटे हुए तस्वरात का एक ढेर है। इट रिवील्स द कैओस ऑफ द माइंड, ये जहनी बदनज़मी को जाहिर करता है। एंड द सिचुएशन इन विच इट इज प्लेस्ड, और उस सूरत हाल को जिसमें इसे रखा गया है। देर इज नो लॉजिकल थ्रेड बिटवीन द वर्ड्स, कोई मंतकी धागा नहीं है बिटवीन द वर्ड्स, अल्फाज के दरमियान, विच आर ऑल जम्बल्ड अप, जो सब के सब बेतरतीब पड़े हुए हैं। द ओपनिंग ऑफ द टायरेड इज स्कॉलास्टिक, स्कॉलास्टिक ओपनिंग ऑफ द टायरेड, तकरीर का आगाज, इब्तदा, आलमाना है, इन मैनर, अंदाज में। ही रिफर्स टू द वर्क्स ऑफ पंचर एंड वॉटमैन, वो पंचर और वॉटमैन के कामों के हवाले देता है। अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सनल गार्ड विद वाइट बियर्ड, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सनल गार्ड, एक जाती गार्ड के वजूद के बारे में, विद वाइट बियर्ड, सफेद दाढ़ी के साथ। रेफरेंस टू द वर्क्स ऑफ पंचर एंड वॉटमैन, पंचर और वॉटमैन के कामों के हवाले, कामों का हवाला, इज इन पैरोडी ऑफ थियोलॉजियंस, थियोलॉजियंस की यानी आलम दीन लोगों की नकल है। हु ऑलवेज टॉट्स बाई कोटिंग सम रिनाउंड पर्सनैलिटी, जो हमेशा स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं, बाई कोटिंग सम रिनाउंड पर्सनैलिटी, किसी मशहूर शख्सियत का हवाला देते हुए, टू मेक देयर आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग, अपनी दलील को मजबूत बनाने के लिए। दिस रेफरेंस ऑकर्स अगेन, ये हवाला दोबारा वाकया होता है, लेटर इन द टायरेड, बाद में तकरीर में आता है। द टेक्निक ऑफ रेपिटिशन इज ऑल्सो स्क्रिप्चुरल, द टेक्निक ऑफ रेपिटिशन, तकरार की तकनीक भी स्क्रिप्चुरल है, यानी किताब मुकद्दस के मुताबिक है। द वाइट बियर्ड ऑफ अ पर्सनल गार्ड डायरेक्टली रिफर्स टू गार्डो, वाइट बियर्ड ऑफ अ पर्सनल गार्ड, जाती देवता की सफेद दाढ़ी भी बराह रास्त गार्डो का हवाला देती है। हु इज अ पर्सनल गार्ड ऑफ एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर, जो कि एस्ट्रागन और व्लादिमीर का जाती देवता है। हैविंग अ वाइट बियर्ड, सफेद दाढ़ी रखे हुए। द होल स्पीच कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स, पूरी तकरीर को तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एंड पार्ट सेकेंड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इन टू टू सेक्शन, और दूसरे हिस्से को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द इंडिफरेंस ऑफ हेवन, पहला हिस्सा इज अबाउट द इंडिफरेंस ऑफ हेवन, बहिश्त की गैर जानबदारी के बारे में है। एंड अबाउट डिवाइन अपैथी, और खुदाई सर्द मोहरी के बारे में है। द वर्ड्स आर नॉट पुट टूगेदर, अल्फाज इकट्ठे नहीं रखे गए।
ऑन एनी स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल, किसी बनावट के असूल पर. सो वन हैज टू स्टडी द वर्ड्स, इसलिए आदमी को अल्फाज को पढ़ना पड़ता है. इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, उनकी इनफरादी सलाहियत में, काबिलियत में. इन द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पहले हिस्से के आगाज में, इब्तदा में, देर इज अ वेरी क्वीर वर्ड, एक बहुत ही अजीब लफ्ज है, क्वै 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 क्वै. इट साउंड्स एज इफ अ डक इज क्वैकिंग, जो ऐसा लगता है कि जैसे एक बत्तख जो है वो क्वैकिंग बोल रही है. क्वैक बत्तख के बोलने को कहते हैं. इन लैटिन क्वै मीन्स इन द फंक्शन और कैपेसिटी ऑफ, लतीनी में लफज क्वै का मतलब है इन द फंक्शन, काम में, और कैपेसिटी ऑफ या सलाहियत में, किसी चीज की सलाहियत. विच इज अगेन अ कॉमन टर्म, जो दोबारा एक आम इस्तलाह है इन स्कॉलास्टिक थियोलॉजिकल डिबेट्स, आलमाना या इल्मी दीनियात या मजहबी मबासों में. टू सम क्रिटिक्स, कुछ तनकीद नगार, लकी वांट्स टू एक्लाइज क्वै वर्सेलिस बट कैन नॉट, लकी लफज क्वै अदा करना चाहता है वर्सेलिस बट कैन नॉट, लेकिन नहीं कर सकता. देन देयर आर सम हाई साउंडिंग वर्ड्स, फिर कुछ आला आवाज वाले अल्फाज हैं, लाइक अपैथिया, अथेम्बिया एंड अफेजिया. मिरांडा रिमाइंड्स वन ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में किरदारों के बारे में, शेक्सपियर के किरदारों में से एक के बारे में याद दिलाता है. प्लंज्ड टॉर्मेंट फायर फ्लेम्स फर्मामेंट ब्लास्ट हेवन एंड हेल, सो ब्लू सो काम, दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट लोकेटर्स स्टेट ऑफ माइंड. तो यही अल्फाज जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं लोकेटर्स स्टेट ऑफ माइंड, लोकेटर की जहनी हालत को. द फ्रेज फॉर रीजंस अननोन इज द रेफ्रेन और बर्डन ऑफ द टायरेट, जुमला फॉर रीजंस अननोन नामालूम वजूहात के लिए, इज द रेफ्रेन बाज रहना है, या बर्डन ऑफ द टायरेट या लंबी तकरीर का बोझ है. इट अकर्स 9 टाइम्स, ये 9 मर्तबा बदुआ देता है. इफ लकी स्टारेट इज द कोर ऑफ द प्ले, अगर लकी की लंबी तकरीर ड्रामे का मरकजी हिस्सा है, दिस फ्रेज इज द थीम ऑफ दिस टायरेड, तो ये जुमला इज द थीम मौजू है ऑफ दिस टायरेड, इस लंबी तकरीर का. In fact, there are certain things in this play. दर हकीकत certain things हैं, खास चीजें हैं in this play, इस ड्रामे में, which happen for reasons unknown, जो नामालूम वजूहात की बिना पर वाकया होती हैं. Why does not Gado come? Gado क्यों नहीं आता? What is the identity of the tramps? आवारा गर्दों की शनाख्त क्या है, पहचान क्या है? Why the tramps do not leave the stage? आवारा गर्द स्टेज को क्यों नहीं छोड़ते? Why Pozo becomes blind and Lucky dumb? Pozo अंधा क्यों हो जाता है और Lucky गूंगा क्यों हो जाता है? What does Gado signify? Gado क्या जाहिर करता है? All these questions could be answered only by saying, इन तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ दिए जा सकते हैं सिर्फ कहते हुए, for reasons unknown, नामालूम वजूहात के लिए. द सेकेंड पार्ट इज अबाउट मैन, दूसरा हिस्सा आदमी के बारे में है. हु इज श्रिंकिंग मैन, हु इज डिविंडलिंग, जो सुकड़ रहा है, पीछे हट रहा है. मैन हु इज डिविंडलिंग, आदमी जो कम हो रहा है, घट रहा है, जवाल पजीर हो रहा है. अगेन इट ओपन्स विद साउंड डिस्टॉर्शन इन अ गिवन वर्ड, दोबारा ये शुरू होता है फिर साउंड डिस्टॉर्शन, बगाड़ की अल्फाज, बगाड़ की आवाज के साथ
इन अ गिवन वर्ड, दिए गए लफ्ज में, अकेडमी एंड एंथ्रोपोमेट्री एंड फ्रेंच कैका मीन्स एक्सक्रीमेंट। फ्रेंच में कैका का मतलब है गलाजत। द फ्रेज ऑफ टेस्ट यू एंड कनरेट ऑकर्स फोर टाइम्स। जुमला ऑफ टेस्ट यू एंड कनरेट चार मरतबा आता है, वाक्या होता है। द वर्ड टेस्ट यू कैन स्टैंड फॉर टेस्टमेंट। लफ्ज़ टेस्ट यू जो है वो टेस्टमेंट के लिए, वसीयतनामा के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेबर्स लेफ्ट अनफिनिश्ड, मजदूरी अनफिनिश्ड ख़त्म किए बगैर छोड़ दी गई। स्ट्राइक्स फाइव टाइम्स थ्रू आउट दिस पार्ट, पांच मरतबा स्ट्राइक करता है, ज़रब लगाता है थ्रू आउट दिस पार्ट, इस हिस्से में। अलॉन्ग विद फॉर रीजंस अननोन, नामालूम वजूहात के साथ। देन देयर इज अ पैराडाइम ऑफ मैन, फिर आदमी की मसाल है। मैन इज पॉजी टू बी, मैन इज एसी टू बी एबल, मैन इज शॉर्ट, मैन इन ब्रीफ। देन देयर इज वेस्ट एंड फाइन, फिर वेस्ट एंड फाइन है, जाया होना और दुबला होना है। श्रिंक एंड डिविंडल, फिर सुकड़ना और कम होना है। देन देयर आर वर्ड्स, फिर अल्फाज हैं, स्ट्राइड्स एंड एलिमेंटेशन के, स्ट्राइड्स और एलिमेंटेशन के अल्फाज हैं। स्ट्राइड्स लंबे कदम उठाना और एलिमेंटेशन और गुजारा करना। देन ही कैटलॉग्स वेरियस स्पोर्ट्स, फिर वो मुख्तलिफ खेलों की, वर्जशी मुकाबलों की फहरिस्त बनाता है। सच एज टेनिस, जैसा कि टेनिस, फुटबॉल, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, राइडिंग, ग्लाइडिंग, कोटिंग, कैमोजी, स्केटिंग, हॉकी, पेंसिलिन, सक्सेडेनिया, गोल्फ ओवर 9 and 18 होल्स। ही रिफर्स टू वेरियस सीजन्स, ऑटम, समर, विंटर। वो मुख्तलिफ मौसमों का हवाला देता है, ऑटम, समर एंड विंटर का। देन ही रिफर्स टू वेरियस एरियाज ऑफ लंदन, फिर वो लंदन के मुख्तलिफ इलाकों का हवाला देता है। फेकहम इन्वेंशन, फेकहम, फुलहम, क्लैपहम, कोनेमरा, कोस्ट ऑफ वेस्ट आयरलैंड। देन ही रिफर्स टू डेथ ऑफ बिशप बर्कली, फिर वो बिशप बर्कली की मौत का हवाला देता है। आयरिश फिलासफर, 1685 to 1753। द फर्स्ट करेक्ट प्रॉपर नेम, पहला ठीक मुनासिब नाम। आफ्टर रिफरिंग टू डेथ ही स्विचेस ओवर टू सम सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट्स। आफ्टर रिफरिंग टू डेथ, मौत का हवाला देने के बाद वो स्विच कर जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। सम सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट्स, कुछ अंदाजे या पैमाइश की किस्म की तरफ। द थर्ड पार्ट इज अबाउट अर्थ अबाउट ऑफ स्टोन्स, तीसरा हिस्सा जमीन की रिहाइश या ठिकाना है, ऑफ स्टोन्स पत्थरों का, यानी जमीन पत्थरों का ठिकाना है के बारे में है। अगेन देयर इज पैराडाइम ऑफ लेबर्स अबंडेंट लेफ्ट अनफिनिश्ड। देयर इज पैराडाइम, दोबारा मसाल है, नमूना है। लेबर्स अबंडेंट, मजदूरी को तर्क किया गया, लेफ्ट अनफिनिश्ड यानी ख़त्म किए बगैर, अनफिनिश्ड, फिनिश ख़त्म करना, अनफिनिश्ड ख़त्म किए बगैर। स्टेनवेग एंड पेट पीटरमैन ऑकर ट्वाइस, मीनिंग स्टोन रोड जर्मन वर्ड एंड रॉकमैन बाइबल रेस्पेक्टिवली। बिल तरतीब इन अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। देन ही एनलिस्ट्स द प्लेन्स, माउंटेन्स, सीज, रिवर्स, फिर वो नाम दर्ज करता है, फहरिस्त बनाता है मैदानों की, पहाड़ों, समंदरों, दरियाओं की। देन एलिमेंट्स, वाटर, फायर, एयर, अर्थ, कोल्ड, डार्क,
abode of stones in the year of their Lord 600, and something but time will tell. फिर वो एनर्जा की वाटर फायर एयर अर्थ कोल डार्क अबोट ऑफ स्टोन्स पत्थरों की पत्थरों का मस्कन इन द ईयर उस साल में ऑफ देयर लॉर्ड 600 एंड समथिंग और कुछ बट टाइम विल टेल लेकिन वक्त बताएगा द वर्ड्स टेनिस टीयर्स स्टोन्स स्कल्स अर्थ हैव वन थिंग इन कॉमन अ मेटाफिजिकल कंसर्न एक चीज में मुश्तरका है metaphysical concern gair madi tualak they are spheres and it conveys the meaning of this part quite clearly ye daire hain halke hain aur ye maani pahunchata hai of this part is hisse ka quite clearly bilkul wazi taur par the conclusion about personal god is never given zati devta ka natija kabhi nahi diya gaya It degenerates into mere noises. ये बिगड़ जाता है noises की शक्ल में शोर की शक्ल में and finally silence और आखिरकार खामोशी में Vladimir and Estragon listen to Lucky very attentively. Vladimir और Estragon Lucky को बड़ी तवज्जो या बड़े ध्यान से सुनते हैं Pozzo feels dejected and disgusted. पोजो उदास और बेजार यानी मुतनफर महसूस करता है व्लादिमीर एंड स्ट्रागन बिगिन टू प्रोटेस्ट व्लादिमीर और स्ट्रागन एहतजाज करना शुरू कर देते हैं पोजो सफरिंग इंक्रीज पोजो की तकलीफ में अजाफा होता है व्लादिमीर एंड स्ट्रागन अगेन लिसन अटेंटिवली व्लादिमीर और स्ट्रागन दोबारा तवज्जो से ध्यान से सुनते हैं Pozzo gets more and more agitated. Pozzo ज़्यादा से ज़्यादा बेचैन बेकरार हो जाता है and groaning और कराहने लगता है Vladimir and Estragon protest violently. Vladimir और Estragon सख्ती से एहतजाज करते हैं Pozzo jumps up. Pozzo छलांग लगाता है ऊपर छलांग लगाता है pulls on the rope. रस्सी को खींचता है जनरल आउटक्राई एक आम चीख लकी पुल्स ऑन द रोप लकी रस्सी को खींचता है स्टेगर्स लड़खड़ाता है डगमगाता है शाउट्स हिज टेक्स्ट अपनी टेक्स्ट को चलाता है चीखता है ऑल थ्री थ्रो देमसेल्व्स ऑन लकी तमाम तीनों फेंकते हैं खुद को अनलकी लकी पर हु स्ट्रगल्स एंड शाउट्स हिज टेक्स्ट जो जदोजहद करता है कोशिश करता है और अपनी टेक्स्ट को चलाता है चीखता है व्लादिमीर सीजर्स लकीज हैट व्लादिमीर लकी का हैट पकड़ लेता है एंड लकी गेट्स साइलेंट और लकी खामोश हो जाता है द विक्टर्स पेंट फातेह की पेंट Vladimir examines the hat. Vladimir head का मुआयना करता है peers inside it. इसके अंदर झांकता है Pozzo snatches the hat from Vladimir. Pozzo Vladimir से head छीन लेता है throws it on the ground. इसे जमीन पर फेंकता है and tramples on it. और इसे पामाल कर देता है Dear students, इसके साथ ही Lucky's tirade. In waiting for Godot, waiting for Godot में Godot के इंतजार में प्ले जो है लकी की तकरीर का क्वेश्चन खत्म होता है लकी's tirade का क्वेश्चन जो कि waiting for Godot से लिया गया है खत्म होता है तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़